सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। भैया ऐसा है, देखिए नौटंकी में विभिन्न प्रकार के कलाकार होते हैं। अब ये नौटंकी उनके परिवार की है, हमें पता नहीं कौन नायक है कौन खलनायक है, ये तो का निरीक्षण था ये आज 2 अक्टूबर को इसका प्रोडक्शन ट्रायल कराने का तय किया गया है और 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराने के लिए तय हुआ है। उससे पहले चूँकि ये अकेला काव मिल्क प्लांट है पूरे उत्तर प्रदेश में जी, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उत्तरी भारत में ये पहला काव मिल्क प्लांट है जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पहली बार ऐसा होगा कि उपभोक्ताओं को शुद्ध गाय का दूध, पहला प्लांट होगा उत्तरी भारत का कि जिसमें हम शुद्ध गाय का घी भी देंगे और शुद्ध गाय का दूध भी देंगे। गाय का दूध माँ के दूध के बाद, गाय का दूध ही ऐसा होता है जो बच्चे के लिए और व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ होता है। ये बहुत बड़ी देन उत्तर प्रदेश की जनता को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सरकार की होगी, इसलिए आज पूरा निरीक्षण हमारे प्रमुख सचिव और समस्त अधिकारी, जिलाधिकारी जी और समस्त विभागों के अधिकारियों के द्वारा ये निरीक्षण करके हमने तय किया है। मंत्री जी, यहाँ दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं उनको अच्छी ब्रीड के दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएँ। जो हमारे पशुओं में रोग फैलता है उसका टीकाकरण किया जाए, और एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि ऐसा सीमन हम लोगों ने अब वो ईजाद किया है जिससे केवल बछिया पैदा होंगी, इसलिए गाय के दूध में जो इतनी वृद्धि होगी जितना के संभवतः हम सोच भी नहीं सकते थे। अब तक जो छोटा पशु की या छोटा सांड की समस्या थी, जब 100 में से 90% ही बछिया पैदा होंगी तो फिर कोई भी सड़क में गाय घूमती नज़र नहीं आएगी। दूध के प्रोडक्शन के लिए हमने स्वस्थ उनको खाना मिले, टीकाकरण उनका हो और प्रत्येक तरह जो भी अच्छे से अच्छे ब्रीड के पशु हो सकते हैं दुधारू पशु वो उनको उपलब्ध कराए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।